आदरणीय अध्यापकगण, अध्यापकगण और प्रिय छात्र छात्राओं, परीक्षा पर चर्चा का चौथा संस्करण अब आपके साथ संवाद के साथ जुड़ेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी परीक्षा आने से पहले इस संवाद को सीधे छात्र छात्राओं से करते हैं। इस समय ये संवाद अभिभावक से भी और अध्यापक से भी होगा और आज से ये कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा 2021 जो छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है इसका आज से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और ये जो रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा वो 14 मार्च 2021 तक खुला रहेगा और ये विशेष रूप से ये जो प्रतियोगिता होगी ये प्रतियोगिता विशेष रूप से mygov.in वेबसाइट पर डिजाइन किया गया है। ये सारी ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी, इसमें 5 विषय दिए हैं, जैसे छात्रों के लिए विषय हैं परीक्षा त्यौहार की तरह है उन्हें मनाएं, दूसरा विषय छात्रों के लिए है अतुल्य भारत यात्रा और खोज, तीसरा विषय है जैसा कि एक यात्रा समाप्त होती है और एक शुरू होती है, चौथा विषय है आकांक्षा कुछ बनने के नहीं कुछ करने के सपने देखो, केवल बनने के लिए कुछ करने के सपने देखना, और पांचवा है आभारी रहे। ये 5 जो विषय हैं ये प्रिय छात्र छात्राओं आपके लिए हैं, जबकि आदरणीय शिक्षकगण के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली इसके लाभ व इससे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, अभिभावक को माता पिता के लिए हैं विषय कि आपके शब्द आपके बच्चे की दुनिया बनाते हैं, जैसे आपको पता है उन्हें प्रोत्साहित करें जैसा कि आपने हमेशा किया भी है, और जो दूसरा विषय है अपने बच्चे के दोस्त बने उसको अवसाद भी न जाने दें, अवसाद दूर रखें, ये अभिभावक के लिए शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए ये सब विषय हैं। एनसीईआरटी के पर्यवेक्षक को समन्वयक इसको विश्लेषित करेंगे और जो इसमें चयनित होंगे सभी प्रदेशों के वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी से संवाद कर सकेंगे। इसके अलावा जो छात्र परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए अपनी पसंद का एक प्रश्न यदि प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे mygov.in पोर्टल पर माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना होगा। प्रतियोगिता के लिए यह पोर्टल 14 मार्च 2021 तक खुला रहेगा। सभी प्रतियोगियों को डिजिटल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत होगा। मुझे लगता है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो ऑनलाइन ये परीक्षा पे चर्चा ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जिससे प्रिय छात्र छात्राओं आपको मालूम है पिछली बार अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए थे, उससे पहले 3 बार आ चुके थे, तो अब आपको मालूम है कि हमसे वो सीधा संवाद करते हैं और परीक्षाओं को किस तरीके से त्यौहार मना कर के मस्ती के साथ आत्मविश्वास के साथ बिना किसी तनाव के बिना किसी दबाव के आप अच्छी से परीक्षा कैसे दे सकते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा और हमेशा ये चाहते हैं और अपनी तमाम व्यस्तताओं में भी वो समय निकाल करके परीक्षा पर चर्चा इस विषय पर हमसे जुड़ते हैं। हम सब अपने देश के प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं और इस जो ये संवाद हो रहा है ये जो प्रतियोगिता हो रही है इसमें मैं जरूर चाहूँगा कि आदरणीय अभिभावकगण के साथ अध्यापकगण और छात्र छात्रा पूरी तन्मयता के साथ जुड़े, विदेशी छात्र भी जुड़े क्योंकि विदेशों में भी हमारे बहुत सारे CBSE के बोर्ड के स्कूल हैं और पिछली बार जो वो जुड़े थे तो एक बार मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि परीक्षा पर चर्चा 2021 में आप इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें, भाग लें और सीधे प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद से जुड़े। मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद।